friends, welcome back to my channel and this is Pepan Hajong, you watching my global activities. तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा किस तरह अपने होलर से अच्छी तरह से चावल निकालना है बिना टूट फूट के दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा और वही दिखाऊंगा किस तरह आप अपने होलर मशीन से अच्छे अच्छे तरीके से चावल अपने बिना टूट फूट के किस तरह पाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी इस तरह की नया और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलो फिर आगे बढ़ते किस तरह हमें अपने होलर मशीन से अच्छी तरह से चावल निकालना है बिना टूट फूट के। ठीक है दोस्तों, तो नंबर वन आपको पहले करना क्या होगा, जो हम लोग धान सुखाते हैं चावल बनाने के पहले से पहले उसको चावल को और धान को आपको धूप में सुखाना होगा, अच्छी तरह से सुखाना होगा और ज़्यादा भी सुखाना नहीं चाहिए और कुमटी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उस सूखने के बाद आपको एक दिन रखना होगा, तभी आपको अपने राइस मिल में लेके होलर में लेके उसको ढाल के चावल बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, और आपका जो होलर मशीन है वो किस तरह से आपको एडजस्ट करना है और किस तरह से छोड़ना होगा वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो आपको जो ऊपर एक लॉक होगा इस तरह से वो खींचेगा तो आपका धान नीचे जाके होलर में गिरेगा, तो आपको उसको ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा कुमटे कुमटे छोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, और एक हाथ में इस तरह की एडजस्ट का कंट्रोल होता है एडजस्ट करने के लिए जो चावल को स्टॉक करने के लिए, तो उसको भी आपको ध्यान देना होगा, उसमें भी आपको कितना स्टॉक करने से कितना आपका चावल टूट जाता है और कितना आपका सही करता है तो आपको उस हिसाब से आपको निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको अपना होलर मशीन का ब्लेड भी चेक करना होगा और प्लस उसका साथ आपको जो अपना होलर मशीन का स्क्रीन है उसको भी चेक करना होगा दोस्तों, तभी आपका अच्छे अच्छे चावल निकल के आ जाएगा बिना टूट फूट के। ठीक है दोस्तों, और मेन बात तो आपको वो धान आपको किस तरह सुखाना है और कितना सुखाना हो चाहिए और आपको सिर्फ धूप में सुखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसकी बात सूखने के बाद आपको एक दिन तो रखना जरूरी है, तभी आपका अच्छी तरह से चावल निकल के आ जाएगा अपनी होलर मशीन से। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, तो और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज का वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।